नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बलिया के दुर्जनपुर में हुए हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपाइयों ने जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी कार्यालय प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे और राज्यपाल को नियमित ज्ञापन SDM सदर को सौंपने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अधिकारियों के सामने ही अपराधी हत्या कर रहे हैं, ऐसी घटना आज तक कहीं सुनने और देखने को नहीं मिली थी। और तो और भाजपा विधायक अपराधी का संरक्षण भी कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छुपा उनका कोई भी बयान अभी तक ना आना यह बताता है कि सरकार गुंडों के सामने नतमस्तक है। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव सहित भारी संख्या में सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सुनते हैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने और क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। व्यवस्था पूरी की पूरी तरह खत्म और यहाँ पर गुंडाराज और योगी जी से हम लोग निवेदन करेंगे, अब राम का नाम मत लीजिए, राम राज की बात मत करिए, बल्कि गुंडा राज की बात करिए। ये बात